तो दोस्तों आज फिटबिट ने अपना नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है जिसका नाम है फिटबिट चार्ज 4। फिटबिट के फिटनेस बैंड बहुत अच्छे होते हैं बट उनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। ये फिटनेस बैंड भी बहुत अच्छा है बट इसकी प्राइस भी ज्यादा ही है। इसमें हमें OLED बैकलिट डिस्प्ले मिलती है और ये डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले कलर डिस्प्ले नहीं है, ये डिस्प्ले बैकलिट डिस्प्ले है, यानी कि कलर डिस्प्ले इसमें हमें नहीं मिलती। उसके साथ साथ इसमें हमें 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है और फिटबिट ने ये क्लेम किया है कि ये फिटनेस बैंड 2 घंटे में चार्ज हो पाएगी। उसके साथ साथ इसमें हमें ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट मिलता है और ये वाटर रेजिस्टेंस फिटनेस बैंड है अप टू 50 मीटर तक ये वाटर रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ इसमें हमें NFC का भी सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से इस फिटनेस बैंड में से ही हम हमारा पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस फिटनेस बैंड में 3 एक्सिस एक्सेलरोमीटर भी मिलता है और इसमें हमें बिल्ट इन GPS का भी ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ इसमें हमें वाइब्रेशन मोटर मिलती है इस फिटनेस बैंड में और इसमें हमें स्लीप ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है। सभी फिटनेस बैंड में ये ऑप्शन तो अभी मिल ही जाता है। उसके साथ साथ इस फिटनेस बैंड में हमें ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटर भी मिलता है जिसकी वजह से हम हमारी हार्ट रेट इसी फिटनेस बैंड में से ही ट्रैक कर पाएंगे और इस फिटनेस बैंड में स्पॉटिफाई का भी सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से हम हमारे सॉन्ग इसी फिटनेस बैंड में से ही सुन पाएंगे। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये फीचर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ये फिटनेस बैंड 2 वेरिएंट्स में मिलती है, एक है नॉर्मल एडिशन एंड दूसरा है स्पेशल एडिशन। नॉर्मल एडिशन की प्राइस है 14,999 रुपीज, स्पेशल वेरिएंट की प्राइस है 16,999 रुपीज। इनकी प्राइस तो बहुत ज्यादा होती है बट फिटनेस बैंड भी अच्छे ही होते हैं। अगर आपको कोई खरीदना होता फिटनेस बैंड तो आप कौन सा खरीदते, ये या फिर कोई नॉर्मल फिटनेस बैंड यानी कि मी बैंड रियल मी बैंड, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते है। तो दोस्तों ये था फिटबिट चार्ज 4। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।